हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। फिल्म सलाम बॉम्बे से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले इरफान खान की आप कोई भी फिल्म देख लीजिए, पीकू से लेकर लंच बॉक्स, पान सिंह तोमर या फिर हिंदी मीडियम, आपके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, वो है आउटस्टैंडिंग। लेकिन आज यही आउटस्टैंडिंग एक्टर हमारे बीच नहीं रहे। टेलीविज़न से लेकर बॉलीवुड और फिर हॉलीवुड का सफ़र तय करने वाले इरफान खान का निधन हो गया है। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली और भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लाजवाब एक्टिंग, पर्दे पर उनके शानदार किरदार और डायलॉग डिलीवरी हमेशा जिंदा रहेगी। ना ही कोई गॉडफादर, ना ही कोई फिल्मी बैकग्राउंड, अपनी एक्टिंग के बलबूते उन्होंने कामयाबी हासिल की, एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में दी, जिसके चलते उन्हें दुनिया ने भी कई बार सम्मानित किया। एनएसडी से निकलकर फिल्मी पर्दे पर इरफान खान ने ऐसी एक्टिंग दिखाई जिसे देख हर कोई उनका फैन हो गया। साल 2004 में आई फिल्म हासिल के लिए उन्हें बेस्ट विलन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। साल 2008 में आई फिल्म लाइफ इन मेट्रो के लिए एज अ सपोर्टिंग एक्टर उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इस बीच साल 2011 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया और इसी साल आईफा अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल सिनेमा अवार्ड भी मिला। साल 2012 में CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर इन एंटरटेनमेंट अवार्ड भी मिला। और जब साल 2013 में फिल्म पान सिंह तोमर आई, तब हर किसी ने उनकी एक्टिंग का लोहा माना और इस फिल्म के लिए उन्हें ढेरों अवार्ड्स मिले, एज अ बेस्ट एक्टर नेशनल फिल्म अवार्ड से लेकर स्क्रीन अवार्ड, फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिले। या फिर यूँ कहें कि इसके बाद जब साल 2014 में लंच बॉक्स आई, तो इसके लिए भी उन्हें एशियन फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें स्टार गिल्ड अवार्ड फॉर स्टार वर्डिक्ट ऑफ द ईयर भी मिला और साल 2015 में आई फिल्म तलवार के लिए उन्हें स्टार बस्ट अवार्ड फॉर परफॉर्मर ऑफ द ईयर से सम्मानित हुए। इसके बाद साल 2016 में आई फिल्म पीकू से उन्होंने सबका दिल जीत लिया। इस फिल्म के लिए उन्हें स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर से सम्मानित किया गया। इसके बाद साल 2018 में आई फिल्म हिंदी मीडियम के लिए उन्हें स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर से लेकर फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर और आईफा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर से सम्मानित किया गया। इसके अलावा बॉलीवुड को शानदार फिल्म देने वाले इरफान खान को अनगिनत अवार्ड्स मिल चुके हैं। एक लंबी फेयर लिस्ट है जो खत्म होने का नाम नहीं लेती है।